हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हर माँ की चाहत होती है कि उसका बच्चा जीनियस ही पैदा हो। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो कितना काफ़ी हद तक माँ के ये कंट्रोल में होता है कि बच्चा कितना जीनियस होगा या फिर किस क्षेत्र में अव्वल होगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि ये माँ के हर क्रियाकलापों यानी कि हंसना, रोना, गाना, हर चीज़ देखना या फिर यहाँ तक कि सोचने का भी बच्चे के कौशल विकास पर सीधा कैसे असर पड़ता है। तो इसके लिए मैं प्रमाण भी दूंगी ताकि ये प्रूफ कर सकूं कि माँ की हर एक गतिविधि जो है बच्चे के कौशल विकास को सीधा कैसे प्रभावित करती है। तो एक्चुअली प्रूफ ये है कि हमारी पौराणिक कथा चली आ रही सच्ची कथा है कि जब सभी ने सुनी भी होगी, शायद गौर नहीं किया होगा कि तो कथा यह है कि अर्जुन का एक पुत्र था अभिमन्यु। अभिमन्यु ने युद्ध की कला गर्भ में ही सीख ली थी। हुआ ये था कि अर्जुन जब अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की कला सिखा रहे थे, यानी कि चक्रव्यूह भेदना सिखा रहे थे। पिछले ज़माने में युद्ध की प्लानिंग को चक्रव्यूह भेदना कहते थे। तो जब वे अपनी पत्नी को चक्रव्यूह भेदना सिखा रहे थे तो सुभद्रा ने चक्रव्यूह को भेदा कैसे जाता है, यानी चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाया जाता है, युद्ध के अंदर कैसे जाया जाता है, यह तो अच्छी तरह से सुना, लेकिन चक्रव्यूह के बाहर कैसे आया जाता है, युद्ध लड़ने के बाद बाहर कैसे आया जाता है, यह वह नहीं सुन पाई और उसकी नींद लग गई और वह सो गई, जिसके कारण से अभिमन्यु को अभिमन्यु की शिक्षा आधी ही रह गई और वह युद्ध की कला आधी ही सीख पाया। इसकी बहुत बड़ी हानि उसे ये भोगनी पड़ी कि जब उसने जन्म लिया और युद्ध का समय आया तो वह चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया, बड़ी ही वीरता से लड़ा, लेकिन वह चक्रव्यूह के बाहर नहीं आया और हार गया। इस कथा का सार यह है कि बच्चा गर्भ में ही सीखना स्टार्ट कर देता है, बच्चा गर्भ में ही सुनना स्टार्ट कर देता है। तो माँ की हर एक गतिविधि बच्चे के कौशल विकास को प्रभावित करती है। ऐसे होता क्या है कि एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे सलाह दी जाती है कि आप किसी भी हालत में, हर हालत में खुश रहिए। तो मदर्स क्या करती हैं कि अपने खुश रहने के लिए अपनी रुचि के काम करना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे कि मूवीज़ देखना, कॉमिक्स पढ़ना, कोई भी न्यूज़ देखना उठपटांग। मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ को अपनी प्रेगनेंसी पीरियड के पहले पूरी तरह से ये प्लान कर लेना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी पीरियड में क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, बल्कि माँ ही नहीं केवल उसके पूरे परिवार को भी ये प्लान कर लेना चाहिए कि वह एक प्रेग्नेंट लेडी को कैसा वातावरण देंगे, कैसा खुशनुमा वातावरण देंगे, ताकि वह ज़्यादा चिड़चिड़ी ना हो, ज़्यादा गुस्से वाली ना हो, ज़्यादा दुखी ना हो, पॉजिटिव सोचे हमेशा। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी को अच्छी अच्छी पुस्तकें दी जाती हैं, धार्मिक पुस्तकें दी जाती हैं और अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगाए जाते हैं, क्योंकि हर एक वातावरण का प्रभाव बच्चे के कौशल विकास पर सीधा पड़ता है। मेरे पास और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मैंने और लेडीज़ से भी बहुत सारा एक्सपीरियंस भी इकट्ठा किया है। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे आपकी रुचि है तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगी, जिनसे ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि गर्भस्थ शिशु पर माँ के हर एक क्रियाकलाप पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहे।